ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। खुर्रम, आपके पास आएंगे, अभी आपके पास क्या अपडेट है? हमने तस्वीरें देखी हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अब कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, फिलहाल क्या तैयारी आप अपने आसपास देख रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है इस मुल्क के, वो पहुंच चुके हैं यहाँ कार्यक्रम स्थल पर, और यहाँ पर जो सामने वो आप दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कुछ जगह से जेटी पे बैठ करके पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे, और थोड़ी देर बाद वो पहुँचेंगे, राजघाट पहुँचेंगे, जहाँ पर वो पहला दिया प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद वो जाएंगे काशी विश्वनाथ में जाएंगे, वो कॉरिडोर देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, तमाम चीज़ें हैं उनको करना है आज। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके, किसी भी पल वो वहाँ से इस जेटी के जरिए निकलेंगे और अवलोकन करते हुए चीज़ों का निकलेंगे। और जो जलमार्ग को प्रशस्त करने की बात कही थी नरेंद्र मोदी जी का ख्वाब था, वो आज तकरीबन पूरा कहा जा सकता है, साकार हुआ ये कहा जा सकता है। जब तक कि आम जनता ना चले तब तक कि इसको कहा नहीं जा सकता साकार हुआ, लेकिन ये ज़रूर है कि अब एक नया चैप्टर जरूर जुड़ गया है बनारस की ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, कि यहाँ पर अब जल मार्ग से भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है। वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है, रोड से जुड़ा हुआ है, थल मार्ग जुड़ा हुआ है, लेकिन अब जल मार्ग भी जुड़ गया है। तो ये ख़ास बात है खुद नरेंद्र मोदी के लिए और साथ ही इस काशी के लिए। तो अब देखना यह है कि वो कब जेटी बढ़कर आएंगे, पूरा अवलोकन करेंगे और एक काफ़ी लंबा काफ़ी वक्त वो गुजारेंगे जलमार्ग पर। और ये पहला मौका होगा हमारे देश के कोई प्रधानमंत्री का जब वो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पहुंचता है तो वो जलमार्ग, वायुमार्ग और थल मार्ग तीनों का इस्तेमाल करता है, और नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री कहे जा सकते हैं जिन्होंने तीनों का इस्तेमाल किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में विचरण करने का, भ्रमण करने का। तो अब इंतजार इस बात का है कि कब वो वहाँ से निकलते हैं और कब वो बाकी कार्यक्रम शुरू होता है और कब वो पहला दिया जलता है देव दीपावली का, जिसका पूरा काशी इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सांसद नरेंद्र मोदी पहला दिया जलाएं और उसके बाद वो अपना दिया जलाएं। बिल्कुल खुर्रम, अपने आप में ऐतिहासिक पल है और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इतिहास जो हैं प्रधानमंत्री ने बनाए हैं। वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी खास पल है, अपने सपने को साकार होते हुए देखना जिस तरह से जलमार्ग से वो भ्रमण करेंगे, और साथ ही साथ वहाँ के लोगों के लिए भी कौतूहल का विषय तो जरूर होगा। जी बिल्कुल, देखिए अपने सांसद को अपने बीच पाकर कौन प्रफुल्लित नहीं होता, और अगर वो प्रधानमंत्री है तो फिर कहने को क्या है। आम जनता की बात करें तो पहले मैं नज़ारा दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ आम जनता उमड़ चुकी है इस पूरे माहौल का साक्षी बनने का। आप देखिए सामने तमाम पब्लिक आपको दिखाई दे रही है जो इस बात के साक्षी बनना चाहती है कि उन्होंने अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देव दीपावली के आयोजन में सम्मिलित होते हुए देखा है। ये सही में ऐतिहासिक क्षण से कहा जा सकता है। देव दीपावली तो यहाँ हर साल मनाई जाती है, लेकिन पहली मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत कर रहे हैं, तो जाहिर बात बड़ी हो जाती है। आम जनता बेहद खुश है, और आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक विज़न है, वो सोच है, और इस वजह से काशी का विकास मुमकिन हो पाया है। क्योंकि इससे पहले यही माना जाता था कि काशी का विकास नहीं हो सकता है क्योंकि गलियों का विकास नहीं हो सकता है, लेकिन अब ये माना जा सकता है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने विकास किया। आप देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करिए, या जो सड़कों की बात करिए, या जो आप बिजली की तार को अंदर किया, ज़मीनों को अंदर किया गया उसकी बात करिए, तो जाहिर सी बात है तमाम ऐसे कार्य जरूर हुए हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कि पहली मर्तबा हुए हैं, उससे काफ़ी आराम मिला है। तो आम जनता बेहद खुश है, इंतजार कर रही है कब आते हैं नरेंद्र मोदी, कब पहला दिया जलाते हैं जिसके बाद वो अपना दिया जलाएंगे, और उसके बाद ये कहा जा सकता है देव दीपावली बेहद जोश व खरोश के साथ शुरू हुई और एक ऐतिहासिक होगी, अद्वितीय होगी, उसको देखना सही में एक बेहतर काम होगा ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल खुर्रम, कहीं ना कहीं ये दीपावली इस लिहाज से भी खास है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, और साथ ही साथ जिन विकास कार्यों का आप जिक्र कर रहे हैं उनके लिहाज से भी अगर हम कहें तो ये एक नई दीपावली है वहाँ के लोगों के लिए। देखिए बिल्कुल, देखिए बात क्या होती है, देव दीपावली तो हर साल मनाई जाती थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने जब से उसको एंडोर्स किया है, देखिए डे वन से जब से 2014 बने तो लोग को एहसास था इस बात का, लेकिन आज खुद मौजूद है कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, यहाँ पर भी सब कुछ बंद था। इनफैक्ट देव दीपावली का जो गंगा आरती होती है, अगर मैं बात करूँ गंगा आरती की, तो उसका भी जो समय होता है उसको भी घटा दिया गया है, समय अवधि घटा दी गई है, अब तकरीबन एक घंटे की होती है। पहले बताया जाता था सवा घंटा, डेढ़ घंटे होती थी, अब तकरीबन एक घंटे की होती है, और इस बार वो शिरकत कर रहे हैं। तो जो टूरिज्म सेक्टर
कलेक्टर है बनारस का, जो हर साल देव दीपावली महोत्सव में बहुत फायदा उठाता था, तो लेकिन इस बार नहीं हो पाया। और शायद हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है पहुंच चुके हैं जटी पर, थोड़ी देर बाद उनका सफर शुरू होगा। हम इंतजार करते हैं उनका सफर शुरू होने का। आप देख सकते हैं एक जटी को जो कि चलता है, आप इसके उसको एक इंडिया न्यूज़ पर ये दृश्य आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव उनकी जटी का, पीएम नरेंद्र मोदी का। तो वो सफ़र जिसका उनका सपना था, ख्वाब था, वो सफ़र शुरू हो गया है। जो जल मार्ग के जरिए जो ट्रांसपोर्टेशन की बात ही जो सफ़र था वो सफ़र शुरू होगा। ये वाकई में ऐतिहासिक है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे शहर है जहां पर आपको जल मार्ग के जरिए सफ़र कर सकते हैं। और जो समुद्री जहां समुंदर है वहां तो लोग समुद्री लोग जल मार्ग का सफ़र करते हैं, मतलब गोवा है, गुजरात की बात कर लीजिए या महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये मौका ऐतिहासिक हो जाता है, क्योंकि जलमार्ग को अभी तक की किसी ने उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन अब एक्सप्लोर हुआ। ये वो पल है जो ये बताता है, जो अलग तरीके से काशी को एक अलग जगह ले जाता है। ये वो मौका है जिसका इंतज़ार खुद नरेंद्र मोदी साहब को पिछले गुज़िश्ता कई सालों से था, 5 सालों से था, जब से वो यहाँ सांसद बने उनको इस बात का एहसास था कि अगर गंगा निर्मल हो जाती है तो ज़ाहिर ठीक है। खुर्रम आप बने रहिएगा। देखिए अपने दर्शकों को हम ये दो तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्रूज पर पीएम पहुंचे हैं, जिस तरह से खुर्रम मेरे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे थे, और ये ऐतिहासिक तस्वीरें अपने आप में आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए किसान आंदोलन भी जोर पकड़ चुका है। अब किसान मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणनीति ये बनाई जाएगी कि आगे का क्या कदम रहने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोशिशें तमाम हो रही हैं किसानों को समझाने की। वहां डटे रहेंगे, वहां डटे नहीं रहेंगे, ऐसे आगे भी प्लान करेंगे, आज रात को भी करेंगे, कल फिर सुबह करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है, और इसको पीछे जाने का नहीं है, और ना ही ऐसा कोई कंडीशन जैसे हमें लगे कि वो फंसा रहे हैं हमें, वो मानने वाले हैं। हमारा नॉन नेगोशिएबल बात है, जो नॉन नेगोशिएबल बात है उस पर बातचीत ही नहीं करते हैं। सो मन में जो बात साल से हम सुन रहे हैं मोदी साहब, सारे देश के किसान आज 4 दिन से देश के किसान अपने मन की बात मोदी जी को सुनाने आए हैं। तो हमने जो मोदी जी को बोला है कि तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और जिस तरह से किसान लगातार डटे हुए हैं, उनका कहना है कि हम लगातार प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुन रहे हैं, लेकिन आज हम उन्हें अपने मन की बात बताने के लिए यहां पर आए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे किस तरह की रणनीति जो है वो किसानों की तरफ से अपनाई जाती है। लगातार दिल्ली कूच की तैयारी में किसान दिखाई दे रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच भी चुके हैं किसान। और ये देखिए तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि अब किस तरह से नई संभावनाएं यहां पर पैदा होने वाली हैं। जल मार्ग से प्रधानमंत्री का ये अवलोकन अपने आप में बहुत खास है, और अपने आप में वहां के लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी भी है कि जिस तरह से अब प्रधानमंत्री एक नई संभावनाओं को तलाशते हुए यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, तो एक नए विकास की लहर भी आगे आने वाले समय में यहां पर देखने को मिलेगी। तो हर पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दौरे में क्या कुछ खास रहा है और अब इस वक्त क्या चल रहा है, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको पल पल की तस्वीरें यहां पर दिखा रहा है। देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री का यह दौरा अपने आप में बहुत खास, और कई ऐसे पहलुओं को उन्होंने अपने संबोधन में भी छूने की कोशिश की है जिनको लेकर एक स्थिति यहां पर पैदा हुई है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, तमाम जो योजनाएं जो लोगों के हित में चलाई गई हैं उनका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर दिखाई दिए। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से खुर्रम मेरे सहयोगी बता रहे थे कि अपने आप में बहुत ही खास ऐतिहासिक तस्वीरें ये नजर आ रही हैं जो प्रधानमंत्री जल मार्ग से यहां पर अवलोकन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खुर्रम मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। देखिए खुर्रम ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, अपने आप में ये तस्वीरें सुंदर तो हैं ही हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में एक विकास का द्वार खुलता हुआ भी दिख रहा है। जिस तरह से जलमार्ग से ये प्रधानमंत्री मोदी का अवलोकन जो है अपने आप में बहुत सारी नई संभावनाओं को भी तलाश रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर आपको विकास करना है किसी भी जगह का तो कनेक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका, चाहे वो रोड हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो। अगर ये कनेक्टिविटी आपके पास है तो जाहिर सी बात है आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं, तभी विकास का पहिया घूम सकता है। हम बनारस की बात करें, प्राचीनतम शहर है, और इसकी हम बात करें तो यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी थी और साथ ही यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी थी, लेकिन जल मार्ग जो गंगा नदी है उसका एक लंबा लंबा बहाव होता है। आप बनारस से
प्रयागराज तक पहुंच सकते हैं। और गुज़िश्ता सालों में अगर आप अतीत में जाइए तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जल मार्ग के जरिए बिजनेस और ट्रेडिंग भी हुआ करती थी, वक्त के रहते वो ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद ये एहसास हुआ कि अगर यहाँ पर एक बार फिर जल मार्ग को खोला जाए, प्रशस्त किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि एक नया आयाम खुलेगा और उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होगा, टूरिज्म सेक्टर को भी फायदा मिलेगा। अगर आप सोचिए कि आपको ये मौका मिले कि एक खूबसूरत जटी में आप बैठें और आपको गाइड इसे बताए चारों तरफ के गाइड की जो घाट है उनकी क्या खूबसूरती है, उनके क्या रेलिवेंस है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उनकी क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, तो आपको आनंद आएगा। और आप गंगा में चलते हुए बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि गंगा आरती आप गंगा में रहकर आप सुनेंगे तो उसकी क्या बात होगी, अलग सी बात होगी। आप याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बात कही थी कि जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक की डेवलपमेंट नहीं होगा। और अगर हम बात करें कि अगर जलमार्ग से कनेक्टिविटी हो जाती तो जाहिर सी बात है टूरिज्म सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा और साथ ही फ़ायदा मिलेगा और भी तमाम चीज़ों को, तो ये एक बड़ी बात है। आज उसका अध्याय जुड़ा हुआ है। अब देखना ये है कि मैं एक बार फिर अपने कैमरामैन से कहूँगा वो देखिए, तो जो जटी है वो देखिए बेहद करीब आ चुकी है और किस तरीके से उसकी सिक्योरिटी है वो भी देखने वाली बात है। तो जाहिर सी बात है इसका एक बड़ा फ़ायदा है। और अब देखना ये होगा कि ये इसका सफ़र कब होता है, क्योंकि ललिता घाट पे आएंगे तो जो काशी विश्वनाथ है, अब हाँ ये ज़रूर इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ पर, जब काशी विश्वनाथ मंदिर जिनको जाना होता है वो रोड के ज़रिए जाते हैं, थल मार्ग से जाते हैं, लेकिन इसके वजह से अगर आप देखिए तो यहाँ से अगर जब ये सफ़र शुरू हो जाएगा तो इसका बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो बेहद कम समय में काशी विश्वनाथ मंदिर जाना चाहते हैं, और यहाँ से जहाँ ये रुकेगा ललिता घाट पे वहाँ से बहुत कम फासले पर होगा काशी विश्वनाथ मंदिर, तो वो लम्हा बेहद करीब आ चुका है जब वो जटिल ललिता मंदिर पहुँचेगी और वहाँ से वो काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर बाकी कार्यक्रम होगा, उसके बाद देव दीपावली का पहला दिया प्रज्वलित होगा। बिल्कुल खुर्रम, अगर हम इस अभी अवलोकन की बात करें तो अभी कितना समय और लगेगा प्रधानमंत्री को आगे पहुंचने में, इस बारे में क्या अपडेट मिल रही है, कितना समय इसके लिए शेड्यूल किया गया था? देखिए यहाँ की हम बात करें तो यहाँ तकरीबन 1.5 घंटा वक्त गुजारेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उनके शेड्यूल है तो उसका वक्त गुजरेगा, तो आप यकीन मानिए क्योंकि 6 घंटा 40 मिनट ही वो बनारस में रहना है और उनको लैंड कराया था 2:10 पर, वो अपने वक्त पर आए थे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का जो प्रोग्राम बनाया है, मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाया है, तो यहाँ के खाते 1.5 घंटे आप बात करिए तो 1.5 घंटा कॉरिडोर को दिया है, उसका 1/2 घंटा तकरीबन यहाँ का जो बाकी कार्यक्रम वो होगा, तो 2 घंटे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे और इसी जेटी से वापस वो जाएंगे और फिर वो यहाँ से वो जाएंगे सारनाथ जाएंगे जहाँ पर अलग कार्यक्रम है, उसके बाद वो वापसी करेंगे दिल्ली को। लेकिन जो ये मौका है, देखिए इसको समझने की कोशिश करिए, इसको महसूस करने की कोशिश करिए, ये वो मौका है जो बताता है कि हमारे गंगा नदी में पोटेंशियल क्या है। और ये वो गंगा नदी है जो मिली, आज मैंने खुद विचरण किया गंगा नदी में तो पाया कि जो पहले मैंने गंगा नदी में विचरण किया था, मैंने प्रयागराज में भी गंगा नदी में विचरण किया है, वहाँ भी देखा है, संगम को देखा है, बनारस की पहले भी मैंने विचरण किया है, तो एक दर्द जरूर था, तकलीफ जरूर होती थी, लेकिन अब इस बात की खुशी है कि अब गंगा वैसी नहीं, हाँ गंगा बिल्कुल निर्मल हो गई हो ऐसा भी नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक की निर्मल हो गई है, ये एक बड़ी बात है। और ये बड़ी कि एक ईमानदार मेहनत इसमें दिखा देती है। अब आप देखिए जटी और बेहद करीब से आप देख सकते हैं, ये वो पल है मैं फिर कहूँगा जो ऐतिहासिक है, और इस तरीके से होगा, किस तरीके से स्कॉटिंग हो रही है, तो ये पूरी सिक्योरिटी की तरीके से है और हर तरीके से, तो अब इंतज़ार करिए उस लम्हे का जब ये सफ़र जटी का ख़त्म होगा और वो पहुँचेंगे ललिता घाट और वहाँ पर पहुँच करके पहला दीप प्रज्वलित करेंगे। तो अब ये आप तमाम लोग इसमें हैं, आप पीएम नरेंद्र मोदी को भी देख सकते हैं इसमें, और जिस तरह सजाया गया, खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, अब वो घूम रही है, ये वो मौका है जब ललिता घाट पर पहुँच रही है। देखिए ये पूरा स्कॉटिंग करते हुए ले जा रहे हैं, अब वहाँ थोड़ी देर में मेरे ख्याल से 5 मिनट हार्डली लगेगा ललिता घाट पहुँचेगी, वहाँ से 400 मीटर के फासले पर है काशी विश्वनाथ मंदिर, यानी कि अगर आप जलमार्ग से आते हैं तो आप गंगा माँ गंगा की गोद में होंगे, और जब उतरेंगे तो बेहद कम, बहुत जल्दी और बेहद कम समय में आप
बाबा के दर्शन भी कर लेंगे और आपका जो सफर होगा वो माँ गंगा की गोद में होगा। इससे ज्यादा एक भक्त को क्या चाहिए, इससे ज्यादा एक श्रद्धालु को क्या चाहिए? बिल्कुल खुर्रम, आप सही कह रहे हैं, इससे ज्यादा एक भक्त को क्या चाहिए। और ये तस्वीरें अपने आप में एक श्रद्धा को बढ़ाने वाली है, आस्था को बढ़ाने वाली है। इस नगरी का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और जिस तरह से हम देख रहे हैं बनारस में, अगर घाटों की भी अगर मैं गलत नहीं हूँ खुर्रम, तो 80 घाट यहाँ पर है और इन घाटों की अपनी एक खूबसूरती है। और अगर इस तरह से इस तरीके से लोग देखेंगे उन घाटों को, तो उनकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ेगी और एक श्रद्धा और एक आस्था का सैलाब जो लोगों के भीतर एक सपना होता है, वो सपना कहीं ना कहीं पूरा होगा। और जिस तरह से आपने बात की यहाँ पर गंगा में निर्मल गंगा की बात यहाँ पर हुई है, एक टाइम पे बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर था गंगा के भीतर बढ़ता प्रदूषण, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग उस सपने को साकार होते हुए देखेंगे जो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में कुछ समय पहले था। और ये देखिए सीधे तस्वीर, हम देखिए 84 घाट हैं कुल यहाँ पर बनारस में। और जी बिल्कुल, देखिए 84 घाट है बनारस में गंगा के किनारे और हर घाट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इन 84 घाट की बात करिए तो दो जगह अंत संस्कार होता है। आप देखिए तो यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं दशमेध घाट है, इसकी अलग खूबसूरती है। यहाँ बेहद खूबसूरत गंगा आरती होती है। आप राम घाट जाइए, उसकी अलग खूबसूरती है। आप ललिता घाट जाइए, उसकी अलग खूबसूरती है। और इन सब की खूबसूरती सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गंगा बहती है। गंगा का यहाँ ना होती, कोई और नदी होती, शायद ये खूबसूरती इतनी ज़्यादा नहीं होती। यही वजह है कि यहाँ काशी वासियों का दिल टूट जाता था जब वो गंगा के दर्शन करते थे और पाते थे कि जो गंगा है वो बेहद मैली हो चुकी है, स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं है। और इसके लिए कोशिशें ऐसा नहीं कि पहले नहीं की गई थी, हमेशा की गई थी, लेकिन ईमानदार कोशिश नहीं थी। इस बार ईमानदार कोशिश है और जाहिर सी बात है कि इस ईमानदार कोशिश में कामयाबी मिली है। और अब देखना इस बात को है कि किस तरीके से, कब और कैसे ये सफर जो होता है वहाँ उस लम्हे पर जाकर खत्म होता है जब हम ये कह सकेंगे कि पूरी गंगा अब निर्मल हो चुकी है, स्वच्छ हो चुकी है। बिल्कुल खुर्रम, हम सीधे तस्वीरें अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह वहाँ का नज़ारा है, आप अपने तस्वीरों में साफ देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर लगातार खुर्रम जिस तरह से पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं और वहाँ पर आगे क्या कुछ अभी तक घटा है और आगे क्या घटने वाला है। खुर्रम की निगाहें लगातार बनी हुई हैं और हम लगातार आपको देखे तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इस वक्त अपने आप में जैसे जैसे खुर्रम शाम ढल रही है तो नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इसी शाम का तो इंतजार दिखा जाता सुबह बनारस और शाम में अवध, लेकिन आज सुबह बनारस भी खास है, खास थी और शाम में बनारस भी खास होने वाली है क्योंकि आज है देव दीपावली और लाखों की तादाद में घाट पर दिए जगमगाएंगे। और सिर्फ घाट पर नहीं बल्कि पूरे बनारस में दिए जगमगाएंगे और आपको जाकर हैरत होगी कि काफी घर ऐसे यहाँ पर है जिन्हें आसपास ही घर है, मैंने उनको देखा, उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है, दिए को ला करके उन्होंने घर के बाहर रख दिया है, इंतजार इस बात का है पहला दिया कब प्रज्वलित होगा। अब शाम की बात करते हैं, जैसे ही शाम होगी और जैसे ही पहला दिया प्रज्वलित होगा नरेंद्र मोदी के हाथों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से, उसके बाद लगातार दिया प्रज्वलित होने लगेगा और कुछ ही क्षण के बाद, कुछ ही लम्हे के बाद, वो पहला दिया जलने के बाद पूरा जो पूरा घाट है, जितने 84 घाट है उन जगह लाखों की तादाद में दिए जलाए जाएंगे और ऐसा लगेगा मानो एक रोशनी का सैलाब बनारस को अपने आगोश में ले लिया है क्योंकि ना सिर्फ घाट बल्कि जितने भी घर हैं उन सब जगह पर आपको दिए जलते हुए जगमगाते नजर आएंगे और काशी रात के अंधेरे में ऐसी लगेगी जैसे रोशनी के सैलाब ने उसे अपने आगोश में ले लिया। तो उस पल का इंतजार करिए, बेहद खूबसूरत नज़ारा होगा। उसकी एक झलक आपने कुछ दिन पहले दिवाली के मौके पर अयोध्या में देखी थी, उससे कहीं बड़ा, उससे कहीं बेहतर, उससे कहीं खूबसूरत नज़ारा, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। अयोध्या की दिवाली, वहाँ की खूबसूरती, वो भी अपने में अविस्मरणीय थी। जिसने भी देखा आज उसको याद करता है और जो आज होने वाला है जाहिर सी बात है वो और खूबसूरत होने वाला है। जो नज़ारा होगा वो ताउम्र सबको याद रहेगा, जो नज़ारा होगा वो किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा नज़ारा भी हो सकता है। लाखों की तादाद में जब दिया जलेंगे तो सोचिए क्या नज़ारा होगा, कितनी खूबसूरत नजारा होगा, ये आप सोच सकती हैं। बिल्कुल खुर्रम, आपने सही जिक्र किया अयोध्या का, यहाँ पर अयोध्या की खूबसूरत तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हमने दिखाई और अब देखिए वाराणसी की भी पल पल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू का जिक्र यहाँ पर मैं देखिए खुर्रम करना चाहूंगी, चूंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना काल भी चल रहा है। अयोध्या की तस्वीरें जो देखने को मिली, बहुत श्रद्धा देखने को मिली, आस्था लोगों के भीतर देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं वो जागरूकता जो होनी चाहिए कोरोना को लेकर वो देखने को नहीं मिली। अब अपने आसपास आप
ये कोरोना काल में किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं लोग, उतने जागरूक नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम आगे जैसे जैसे बढ़ेगा भीड़ भी बढ़ेगी, हम देख सकते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का कितना प्रयोग करते हैं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। देखिए, पिछले 3 दिनों से मैं बनारस में हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी में आकर खुद कहा था कि अभी लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं गया है, अभी इसकी वैक्सीन नहीं आई है, सतर्क रहिए, मास्क पहनिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं सुनती। हमने तमाम जगह ये देखा जहाँ लोगों ने मास्क पहनने की जहमत किया, शायद सोचा भी नहीं था। ये एक बेहद सोचने वाली बात है सबके लिए कि कोरोना को लेकर के जितनी सजगता होनी चाहिए आखिर क्यों नहीं है। मैं यहीं घाट में मौजूद हूँ, मुझे थोड़ा सा अफसोस इस बात को लेकर ज़रूर है कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया। जोश अपनी जगह है, हर्षोल्लास अपनी जगह है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल, यही वक्त की मांग है क्योंकि कोरोना जो किसी को बचता नहीं है। खुर्रम, लौटूंगी आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे दें, ललिता घाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अवलोकन के बाद काशी धाम का वो यहाँ पर दर्शन करेंगे। वाराणसी से ये बड़ी खबर, ललिता घाट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर ललिता घाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। खुर्रम, देखिए बिल्कुल, देखिए ये सफर, पहला सफर नरेंद्र मोदी का जल मार्ग का खत्म हो चुका है। ललिता मार्ग आई, पहला फेस है, यहीं से ऐसे ही उनको लौटना भी जैसा बताया गया वो बात की बात है, लेकिन जो पहला फेज है वो खत्म हो चुका और थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी क्रूज से उतरेंगे, अपनी जेटी से उतरेंगे। सबसे ऊपर जो आप देख रहे थे उस एरिया में, उसमें नरेंद्र मोदी खुद सवार थे और जाहिर सी बात है कि अब यहाँ से वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाएंगे, तकरीबन 1.5 घंटा वो वहाँ गुजारेंगे, दर्शन भी करेंगे बाबा का। और ये जो मौका है, मैं फिर कह रहा हूँ, ऐतिहासिक है कि इस तरीके से कोई शख्स, कोई प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में विचरण करेगा, ये नहीं सोचा था बनारस में करेगा, कम से कम इस बात का तो किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ये भी होता हुआ हम सब देख रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि शायद प्रधानमंत्री देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तीनों का उपयोग करते हैं, यानी कि थल मार्ग का उपयोग करते हैं, वायु मार्ग का उपयोग करते हैं और जल मार्ग का भी उपयोग करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भ्रमण करने के लिए। ये अपने में एक अविस्मरणीय पल जरूर कहेंगे, क्योंकि ये किसी ने कभी सोचा नहीं था कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह से गंगा के बीच में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगा, अपने लोगों के बीच में जाएगा, ये किसी ने सोचा। बहुत सारे यहाँ से सांसद हुए हैं लेकिन ये सोच शायद किसी की नहीं थी। प्रधानमंत्री कई आए यहाँ पर लेकिन इस तरीके से कोई नहीं सोच पाया, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो थल वायु और जल का इस्तेमाल करने वाले शायद ऐसा कोई दूसरा शख्स अभी तक नहीं हुआ। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि ये बताता है कोरोना को लेकर, जो टूरिज्म सेक्टर है, इनके तमाम लोग से मेरी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि कोरोना काल की वजह से तमाम बंदिशें हैं तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा उस बात को लेकर नहीं है, लेकिन शिकायत नहीं है। लेकिन इस मैं ज़रूर ये अपील करना चाहूँगा अपने सांसद से, अपने प्रधानमंत्री से कि कोई पैकेज दे। लेकिन साथ में ये भी उनका कहना था कि जिस तरह देव दीपावली में इस मौके पर शिरकत करने आए नरेंद्र मोदी, तो एक बड़ा मैसेज दिया है। बड़ा मैसेज ये है कि सबको ठीक है, थोड़ी सी बंदिश का पालन करिए, थोड़ा सा एहतियात बरतिए और वो आप सब कुछ कर सकते हैं जो एक साल पहले आप किया करते थे, यानी कि कोरोना काल से पहले। लेकिन एहतियात बरतना ज़रूरी है, एहतियात भी दो बरतना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, इसके इधर कोई बहुत बड़ी एहतियात नहीं बरतनी आपको। लेकिन अफसोस की बात है यही दो एहतियात लोग बरत नहीं पा रहे, दर्जनों बार प्रधानमंत्री ने मोदी बोल चुके हैं और तमाम लोग बोल चुके हैं। मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ भी वो नज़ारा देख रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क दोनों गायब है। और अब नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं और सांसद हैं उतरने वाले हैं और CM उतर चुके हैं, नरेंद्र मोदी भी उतर चुके हैं, तो ये एक बड़ा पल है। आप देखिए किस तरीके से ये अकेले चेक है, आप देख सकते हैं PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ ललिता घाट पर उतर चुके हैं, क्रूज से उतरे हैं, जेटी से उतरे हैं, तो अब वो जाएंगे सीधे कॉरिडोर में जाएंगे, वहाँ दर्शन भी करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में और इस बात का आकलन करेंगे कि कितनी तरक्की हुई है और कितनी तरक्की और होनी है, डेवलपमेंट को और कैसे तेज़ किया जाए, इस पर वो बात करेंगे। बिल्कुल खुर्रम, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, पूरी तरीके से मोदीमय काशी हो चुका है। आप CM योगी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए, अब यहां से क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, अब वो सीधे जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर और वहां दर्शन करेंगे और उसके बाद जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है वो उसका
उसका पूरा निरीक्षण भी करेंगे, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनको इस बात का एहसास है कि उसका मायने क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है, इस बात का पूरा एहसास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पहले ये कार्यक्रम आधे घंटे का होना था, लेकिन उनको जब इस बात का मालूम चला कि आधे घंटे में पूरा विचरण नहीं हो सकता, तो उन्होंने उसको बढ़ाकर खुद डेढ़ घंटा कर दिया गया है। तो अब देखना इस बात को है कि जब वो आज यहाँ पर निरीक्षण करते हैं तो उनका फीडबैक क्या होता है, वो क्या लेकर जाते हैं, और जो काम वहाँ चल रहा है क्या उसको और रफ्तार मिलती है। तो इंतजार करिए, तस्वीरें आपसे चाहेंगे कि दिखाएं अच्छे से। अभी जैसे कि एक आप देखिए कितना खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पर बनाई हुई है, क्या कुछ ये तस्वीर है। देखिए तमाम तस्वीरें हैं, देखिए यहाँ इन तस्वीरों में तमाम मैसेजेस आपको मिलेंगे, और ये बताता है कि किस तरीके से शहर को सजाया जा सकता है। आप अगर जयपुर जाएंगे तो आप पाएंगे वहाँ जितनी दीवारें हैं उन सबको ट्रेडिशनली उनको पेंट किया गया, खूबसूरत भी लगती हैं, और तमाम मैसेजेस भी वहाँ सपोर्ट हो सकते हैं। मतलब जो बनारस की सड़कों हैं वहाँ की जो दीवारें हैं उनमें तमाम मैसेजेस लिखा है कि आप जल को संचय कैसे करें, स्वच्छता क्यों होनी चाहिए, ये सारे मैसेजेस उसमें लिखे हुए हैं। तो एक तरीके से ये एक बहुत काम है कि तो शहर को खूबसूरत बनाया गया, दूसरी बात तमाम मैसेजेस जो सर्कुलेट होते हैं वो वहाँ लिखा गया, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो इसी वजह से शहर की खूबसूरती भी हो, एक मैसेज भी आम जनता तक पहुँचे, इस बात के लिए ये पूरा किया जाता है, पूरी खूबसूरती की जाती है। खुर्रम, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही वो अपने आप में बेहद खूबसूरत है, लेकिन जितनी खूबसूरत ये तस्वीरें और जितने उत्साहित काशीवासी हैं देश के प्रधानमंत्री और अपने सांसद को अपने बीच में देखकर कहीं ना कहीं मायूस भी होंगे खुर्रम, क्योंकि इस बार देव दीपावली के पर्व पर घाटों पर बड़ी तादाद में लोगों का इकट्ठा होने को लेकर मनाई, कोरोना महामारी के चलते इसका असर अब देव दीपावली पर भी देखने को मिल रहा है, कितने मायूस हैं लोग वहां। देखिए मायूसी बिल्कुल होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन वक्त तकाजा तो यही कहता है कि कम भीड़ रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और ये बात काशीवासियों को समझ में आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क काशीवासियों को समझ में आती नहीं है, लेकिन हाँ अवेयरनेस की अभी भी ज़रूरत है बनारस में काशीवासियों के बीच में। हाँ अफसोस ज़रूर होगा लोगों को, लेकिन वर्चुअली वो देख सकते हैं इसको और अपने को पा सकते हैं। इस साल देव दीपावली नहीं, कोई बात नहीं, अगले साल आप देव दीपावली को बेहतर तरीके से देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, जी पाएंगे। तो इंतजार करिए अगली देव दीपावली का, जाहिर सी बात है वो और बेहतर होगी। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एक बार फिर वहाँ पहुँचे और इसी तरीके से एक बार फिर आप उनको बेहतर तरीके से देख पाएँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, मैं एक बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो मैंने 3 दिन महसूस किया है बनारस में कि यहाँ सही मायने में अवेयरनेस की कमी है। आपका सांसद आपसे कह रहा है, देश का प्रधानमंत्री आपसे कह रहा है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लेकिन आप फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, इसका खामियाजा आप ही को भुगतना, हम सबको भुगतना है, क्योंकि जितना ज़रूरी है मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, 2 गज की दूरी, वो बेहद ज़रूरी है। इतनी सी बात है, अगर लोग समझाते बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ अफसोस और मायूसी ज़रूर लोगों को है कि आज बहुत सारे लोग यहाँ पर इस पल को महसूस करने साक्षी नहीं बन पाए हैं। बिल्कुल खुर्रम, लेकिन उन तमाम लोगों की मायूसी को कम करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से तमाम कदम उठाए गए, तैयारियां की गई हैं। खबर यह है कि अब काशी के तमाम महत्वपूर्ण चौराहों पर LED स्क्रीन का इंतजाम किया गया, जिससे कि जो कुछ कार्यक्रम घाटों पर होगा वो सीधे तौर पर देख पाएंगे अगर वो पहुंच नहीं सकते हैं तो। जी बिल्कुल, इसे इल्जाम किया है कि जिनको देखना है, इस पल का साक्षी बनना है, वर्चुअली वो पार्टिसिपेट कर सके, और वर्चुअली पार्टिसिपेट लोग कर भी रहे हैं। ऐसे बहुत जगह तैयारी की गई है और घरों में लोग बैठ कर टीवी में सब पूरा देख रहे हैं, और साथ ही जो चौराहों पर हैं वहाँ भी देख रहे हैं। तो लेकिन जो मज़ा देखिए सजीव देखने का है, जो मज़ा यहाँ पे मौजूद होने का, यहाँ के माहौल को महसूस करने का है, वो आप वर्चुअली नहीं कर सकते। ये सोच की बात तो है, थोड़ा वक्त का तकाजा है, थोड़े हालात है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो हम सब के लिए हो रहा है, यानी पूरी काशी के लिए हो रहा है। ठीक है आज आप इस पर के साक्षी नहीं बन पाए, लेकिन जो विकास होगा तो जाहिर सी बात है उस विकास में आप अपने आप को पाएंगे, क्योंकि काशी तरक्की करेगा तो जाहिर सी बात है काशी बहुत आगे होगा। बिल्कुल खुर्रम, जिस तरीके से काशी की तरक्की की जब बात होती है, काशी के विकास की बात होती है, तो बात उस बात को निकल कर सामने आती है जब ये कहा गया था कि काशी को क्योटो बना दिया जाएगा, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, क्या लगता है क्योटो बन गया है या बनने में समय लगेगा? समय लगेगा, लेकिन
चलिए खुर्रम आपके पास लौटेंगे। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन को स्वीकार करते हुए देव दीपावली के ऊपर महा कवरेज को लेकर खूबसूरत तस्वीरें वाराणसी से हम आपको दिखा रहे हैं। पल पल के अपडेट्स आपको बता रहे हैं, जहां पर इससे पहले 6 लेन की सड़क का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, इसके बीच ललिता घाट पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उनके साथ मौजूद है। तो काशी पूरी तरीके से मोदीमय हो चुका है, काशीवासियों के लिए बड़ी सौगात लेकर पहुंचे हैं और यहां पर देखिए अब तमाम इंतजाम उनके स्वागत को लेकर किए गए हैं। इस बीच आपको बड़ा अपडेट बताएं, अन्नपूर्णा मंदिर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद है और तमाम महत्वपूर्ण अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। देखिए दोनों हाथ जोड़कर स्वागत को अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। प्रणाम करते हुए अपनी भावनाएं, नीलकंठ तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मंत्री और काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े लोग, काशी के विद्वानों का समूह धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते हुए अवलोकन करते हुए बीते 9 माह की अवधि में कॉरिडोर में अलग अलग निर्माण के लिए खोदी गई नींवों के मजबूत अधिष्ठान पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा साकार हो चुका है। कोरोना काल चल रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से जो भी नियम है जिनका माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उल्लेख करते हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हाथों की सफाई आप बार बार करते रहें, उसी का पालन करते हुए और ये स्वर्ण शिखर बाबा विश्वनाथ का वो स्वर्ण दिव्य शिखर, कहा जाता है अगर हम गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाए तो अगर हम शिखर दर्शन भी कर लें तब भी दर्शन के फल की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे परिसर से होते हुए गर्भगृह की ओर जाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके साथ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और गर्भ भगवान शंभो मंगलम ऋषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ सर्व मंगल मंगल हरिहर ओम केशवाय नमः। कार्तिक मासे शुभे शुक्ले पक्षे पूर्णिमायां शुभ पुण्यतिथौ चंद्रवासरे गोत्रः श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिव सुप्रसन्नार्थं देशेस्मिन् सुख शांति सौ मनस्य अभिवृद्ध्यर्थं श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिव कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थं यथा लब्धोपचारैः विश्वेश्वरस्य पूजनं करिष्ये।
ओम नमते रुद्रमन्यवौदो दैकवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः नाते रुद्रशिवातनुरघोरा पापकाशिनी दयादसनवा सन्तमया गिरिशन्तः जामि पुङ्गिरिशन्तः ते विभगतमे शिवाङ्गिरिदतां कुरु मारि गो देहे पुरुकं जगत शिवे न वदधा त्वा गिरिशा च वदामहे यथा नः सर्वमि जगदैश्वभो सुमना प्रथमो दैव्यो भिगकामहिषतवाञ्जम् भयम् सवाचजातु धात्यो धराजीः परासुहा परः पृथिव्यापयो गभीकुपयो दिव्यन्तरिक्षेपयोधाः परस्मतिः प्रदितः शान्तो मह्याम् माधिकाधिविवेदधामयत्नामृतपर्यायोक्तादिक्रावणोऽवतारिखञ्जिसोऽजगमाजिनः सुरभिनो मुखा मधुपादारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मादेनः सन्तोषधेः मधुरक्तमुतो कसो मधुमत्पार्थिवगोरजः मधुद्यौनः पिता मधुमानो बृहस्पतिर्मधुमां मतु दुर्जः मादेर्गावो भवन्तु नः अपाकुरसमृद्वयसकोसूजे सन्तकुं समाहितं मालपाकुरसजो रससंभो गृणामुतममुपयामभिः ेजो निरिन्द्रायुर्वादुषतमम् मासुतमालः सर्वशुद्धमालो महिमालशिराः शेषः शेषाचो ऋणशेषुराय पशुपतये करणायामायवलिता रुद्रा नभो रूपाः पाचन्याः पुरातो ज्योतिघा सह शर्मपरोतमा सरस्वः पाशो अग्ने विश्वरूपको सङ्गयस विभावसो नमोऽस्तु नीलग्रीवाय अतो जय अचस्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः त्र्यम्बकम् जयामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनपूर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुषीयमामृतातो अक्षन्नमे मदन्तयव प्रियाय दोखदाय सोखदस्वभा नमो विभ्रान विषयामधियो जानवेन्द्रते हरिभ्यायुगञ्जवदग्नेः कश्यपश्यप्यायुगम् माजते मे कृत्यायुगम् तन्नो वसुत्यायुगम् मा नमो गृह्मिणे च कवचिने च नमो कर्मिणे च मरुतिने च नमः सुधाय च सुतसेनाय च नमो तुन्दव्याय च हनन्याय च कृतलम् त्रिगुणाकारम् त्रिनेत्रम् च त्रिधायुधम् त्रिजन्मपापसंहारम् बिल्वपत्रम् शिवाय ॐ नमः शिवाय प्रतिमोदमम्पवतिः पशुपरिः अड्वारिव षल्परिर्भिरुदः पारयितम् अहिव भोगैः पतेति बाहुञ्जाया हेतिम् परिवादमानः सर्वम् विश्वायुना निर्मान् पुमान् पुमान् दुशम् परिपातु विश्वतः वैविध्यम् पुरतः सन्ताप्यो हविः प्रजननम् मे अस्तु दशवीरगो सर्वगणकुशत्रये नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि अनया पूर्या अनेन।
यथाशक्ति पूजन पूर्वक ब्राह्मणेशा अर्जन कर्मणा तेन काशी विश्वेश्वर शाम्बशदा शिव प्रियता नमः तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव की पूजा अर्चना की, आरती के साथ अपनी पूजा को खत्म किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ वहीं पर मौजूद रहे। तो मोदी कर रहे हैं विश्वनाथ की आराधना, तस्वीरें आपको दिखाते हैं और कहते हैं कि गर्भगृह तक अगर आप ना पहुंच पाए तो विश्वनाथ के मंदिर के जो स्वर्ण शिखर है अगर उसके दर्शन भर आप कर लेते हैं तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जिस श्रद्धा भाव के साथ वहां पर आप पहुंच रहे हैं वो परिपूर्ण हो जाता है। इसके बीच ये घाटों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो जैसे जैसे समर गुजर रहा है वैसे वैसे और भी ज्यादा खूबसूरत हो जा रही है और कुछ समय बाद ये घाट जो है वो दीयों की रोशनी से चकाचौंध हो उठेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलते हुए विशेष पूजा अर्चना उन्होंने की और भी ज्यादा ये पूजा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कोरोना काल के बाद 9 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। हालांकि वर्चुअली वो कई बार काशी से जुड़े लेकिन सीधे तौर पर वो यहां पर 9 महीने बाद आ रहे हैं। ऐसे में ये पूरा कार्यक्रम और भी ज्यादा पुष्पांजलिर्मयादत्त ग्रहाण परमेश्वरी। राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की कि सभी प्रकार के संकट दूर हों, राष्ट्र निरंतर समृद्धि की ओर अग्रसर हो, कोरोना जैसी जो महामारी का संकट आया है वो संकट दूर होकर यहाँ के समस्त निवासी स्वास्थ्य सुख समृद्धि और दीर्घायु हों, ये कामना एक राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बाबा से की। एक बार पुनः अभिवादन करते हुए बाबा के दरबार में आकर पुनः एक बार नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेते हुए देश उनके नेतृत्व में निरंतर प्रगति के नए सापान तो तस्वीरें लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी मंदिर के अर्चकों ने विद्वानों ने आशीर्वाद दिया। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संत मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। शत्रुओं का विनाश हो, देश के शत्रु अनुकूल हों हमारे लिए और मित्र अधिक से अधिक हमारे लिए सहायक हों, बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना की गई। बाबा विश्वनाथ का वो अनुपम दिव्य स्वर्ण शिखर दूर से ही अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरते हुए भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को उसका अवलोकन करते हुए
डमरू बजाकर बाबा विश्वनाथ का उद्घोष मंदिर के विस्तारीकरण की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम आज यहां साकार होता दिखाई पड़ रहा है। लगभग 50,000 वर्ग मीटर में ये निर्माण, अगस्त 2021 तक इस निर्माण को पूरा करने का संकल्प, तेजी के साथ निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। विश्वनाथ धाम का ये जो प्रोजेक्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, करीब से बारीक दृष्टि डालते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी स्तंभों पर जो उत्कीर्ण कलाकारी है उसे देखते हुए धीरे धीरे ये काशी विश्वनाथ धाम आकार लेता हुआ आज यहां एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, एक छोटा सा वृत्तचित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया जाने वाला है, जिसके माध्यम से इस काशी विश्वनाथ धाम की जो प्रगति है उसके बारे में वो जानकारी उन तक पहुंच सकेगी। काशी विश्वनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत एकाग्रचित्त होकर, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित तीर्थ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू आस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। इस आस्था की परंपरा को भव्य रूप प्रदान करने का श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिनकी प्रेरणा से ये मंदिर भव्य रूप ले रहा है। बाबा विश्वनाथ को मां गंगा से जोड़ने का संकल्प साकार करने हेतु श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। 50,261 वर्ग मीटर विस्तृत क्षेत्रफल की इस गतिमान सौंदर्यीकरण परियोजना में कुल 24 भवनों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना क्षेत्र में स्थित लगभग 63 छोटे बड़े मंदिरों, जिनमें मुख्य रूप से 5 पांडव, गंगेश्वर महादेव, मनोकामेश्वर, नीलकंठ महादेव, द्वादश लिंग तथा अन्य मंदिरों का पुनर्स्थापना एवं संरक्षण व परिसर में स्थित गोयनका लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परियोजना में चिन्हित 314 भवनों के प्रभावित परिवारों का उचित पुनर्वासन किया गया है। इस परियोजना का मुख्य आकर्षण मंदिर परिसर है, जिसका क्षेत्रफल 3,175 वर्ग मीटर है। इसके साथ ही मंदिर चौक, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, मल्टीपर्पज हॉल, पर्यटक सुविधा केंद्र, मुमुक्षु भवन, गेस्ट हाउस, नीलकंठ मंडप,
सुरक्षा कार्यालय, यात्री सुविधा केंद्र, भोगशाला, आधुनिक बुक स्टोर, जलपान केंद्र, यज्ञ हवन के लिए वैदिक केंद्र की स्थापना व दिव्यांगजनों की सुविधाओं के अनुरूप निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान समय में लगभग 28% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना के कार्य में लगभग 1500 कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम को अगस्त 2021 तक पूर्ण कर देश के दैदीप्यमान प्रतीक के रूप में जनमानस को समर्पित कर दिया जाएगा। तो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के रूप में काशी में दशकों से विकास को लेकर क्या कुछ परियोजनाएं हुई हैं, क्या कुछ काम हुआ है, इसको दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखते हुए, संसदीय क्षेत्र भी उनका और काशी से एक विशेष लगाव है उनका, तो यही वजह है कि यहां पर इस डॉक्यूमेंट्री को पूरे ध्यान से वो देखते हुए, इस दौरान तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद है। इससे पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन उन्होंने किए, विशेष पूजा अर्चना उन्होंने की और वहां पर मौजूद तमाम पंडितों के आशीर्वाद भी उन्होंने लिए। इस बीच जो कलाकृति वहां पर बनी हुई है, अब जो प्राचीन कलाकृति है जिसके लिए बाबा विश्वनाथ का मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है, उसको भी बारीकी से महसूस करते हुए, समझते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जानकारियां उनको दे रहे थे, विस्तारीकरण को लेकर मंदिर के जो कुछ काम चल रहा है उसके बारे में भी जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और काफी देर तक उन्होंने मुख्यमंत्री से उसको लेकर बातचीत की। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए अब ये डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, जहां पर काशी में अब किस तरीके से कायाकल्प हुआ है, विकास को लेकर क्या कुछ परिस्थितियों में बदलाव आया और आने वाले समय में अब टारगेट क्या कुछ रखा गया जिससे कि प्रदेश की जनता को, काशी वासियों को ज्यादा से ज्यादा अच्छा जीवन प्रदान किया जाएगा, उसको लेकर ये पूरी डॉक्यूमेंट्री। हालांकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चूंकि कोरोना महामारी के बीच देव दीपावली का ये पूरा त्यौहार, खुद प्रधानमंत्री काशी पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र, कोरोना को लेकर तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सभी द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है और इससे पहले इस पूरे क्षेत्र को अच्छे से सैनिटाइज भी किया है। तो बस कुछ ही देर और घाट पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिया जलाएंगे और उसके बाद पूरी काशी एक बार फिर से दिव्य सी नजर आएगी और उसको लेकर तमाम तैयारियां भी कर ली है। तो काशी विश्वनाथ के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और यहां पर पहुंचकर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर मौजूद पंडितों का आशीर्वाद भी लिया। ऐसे में देव दीपावली के पर्व पर खुद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे हैं। ऐसे में अब काशीवासियों के बीच उत्साह जरूर है, खुशी बहुत ज्यादा है क्योंकि पूरे 9 महीनों बाद उनका सांसद उनके बीच में और सबसे बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में है। लेकिन कहीं ना कहीं मायूसी थोड़ी सी जरूर है क्योंकि घाटों पर इस बार वो नहीं पहुंच पाएंगे, सीधे तौर पर इस दिव्यमय काशी का दीदार वो नहीं कर पाएंगे। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां उनके लिए भी की गई हैं। कई महत्वपूर्ण चौराहों पर LED स्क्रीन्स को लगाया गया है जिसके जरिए जो कुछ कार्यक्रम घाटों पर होगा, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, सीधे तौर पर लोग उनको देख सकेंगे और देव दीपावली के उत्साह को, इस पूरे पर्व को जोश के साथ वो बना सकेंगे क्योंकि कोरोना काल में तमाम त्यौहार इसी तरीके से मनाए गए हैं जहां पर ज्यादातर लोगों ने घरों में ही त्यौहारों को मनाया। इस बार भी प्रधानमंत्री ने लोगों से यही अपील की कि अपने घर पर इस त्यौहार को मनाएं। कहते हैं देव दीपावली के दिन काशी में स्वर्ग से तमाम देवी देवता उतर कर आते हैं और यहां पर देव दीपावली के पर्व को मनाते हैं और यही वजह है कि ये मान्यता इसकी बहुत ज्यादा खास हो जाती है। ऐसे में दिया जलाने का विशेष महत्व है और इस दिन अगर आप दान करते हैं तो 10 यज्ञों के बराबर उसे पुण्यकारी बनाया जाता है और यही वजह है कि लोग देव दीपावली के पर्व पर आज के दिन दान देने में खासी आस्था रखते हैं। इसके अलावा सूर्योदय से पहले लोग स्नान करना यहां पर कहा जाता है। पुरानी मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान किया जाए और अगर गंगा नदी में आप स्नान नहीं कर सकते तो अपने घरों पर ही स्नान करें और उस पानी में गंगा जल का इस्तेमाल करें जिससे कि आपका स्नान करना पूरी तरीके से संपन्न हो जाए। तो ये तमाम मान्यताएं हैं जिसके चलते देव दीपावली का पर्व बहुत ज्यादा खास हो जाता है। लेकिन इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में है
और ये देखिए अभी उन्होंने काशी पर दिखाई गई एक छोटी सी फिल्म को बहुत ध्यानपूर्वक देखा और अभी वहां पर तमाम मौजूद अधिकारियों से विस्तार से उसको लेकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जब भी उनको बोलते हुए सुना जाता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में वो पहुंचते हैं तो काशी का जिक्र जरूर करते हैं। और अभी भी उन्होंने थोड़ी देर पहले जो जनता को संबोधित किया, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर काशी बहुत आगे बढ़ा है और जब से हमारी सरकार आई है तब से काशी की कायाकल्प हुआ है, विकास को लेकर तमाम कार्य किए जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो है परियोजनाएं जिनका जिक्र बार बार किया जाता है लेकिन धरातल पर उसको लागू होता हुआ नहीं देखा जाता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि जिन जिन परियोजनाओं को हमने शुरू किया उसमें से बहुत हद तक परियोजनाओं को पूरा भी कर लिया गया और आने वाले समय में पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हमारी सरकार है जनता के विकास के लिए। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे।